वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। इस वीडियो में हम एक एंगेजमेंट रिंग बनाएंगे। हमारे पास कोई पिक्चर नहीं है, रिंग हम मैन्युअली बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से ऑलरेडी एक रिंग ले रखा है जिसका डायमीटर है 18 mm। इसको मैंने यहाँ से हाइड किया। मैं यहाँ से टॉप व्यू में आके एक डायमंड लूंगी। यहाँ से मैं जैम लोडर में गई, यहाँ से मैंने कुशन स्क्वायर शेप का डायमंड लिया। मैंने यहाँ से 8 mm का, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक कीबोर्ड के ऊपर मैंने F6 प्रेस किया और यहाँ से मैं इसकी जैम प्रोफाइल निकाल लूंगी, ठीक है? और राइट क्लिक कर दूंगी। डायमंड को अब मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। इसका यहाँ पे मैं कोलेट बनाऊंगी जिसके ऊपर हमारा डायमंड बैठेगा। उसका ऑफसेट लिया मैंने अंदर की तरफ 1 mm। यहां से मैं दोनों कर्वों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्विन कर्व का। कर्व में जाके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्विन कर्व का। यहाँ से मैं इनके बीच वाला कर्व निकाल लूंगी और इसको मैंने जितना ऑफसेट किया ना उतना यहाँ से मैं पाइप कर दूंगी। मैंने यहाँ से इसको पाइप किया, डायमीटर चेक किया, डायमीटर में होना चाहिए ये हमारा 1 mm। देखो ये बन गया हमारा। मैं यहाँ से अपने डायमंड को अनहाइड कर लूंगी, ठीक है? अभी इसको मैं यहाँ से इतना नीचे लेके जाऊंगी कि डायमंड हमारा इसके ऊपर आराम से बैठ जाए। इसको इतना नीचे रखना है कि डायमंड इसके ऊपर आराम से बैठ जाए। इसको ज्यादा नीचे रखोगे तो डायमंड नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो इसको इस तरह से सेट करना है कि हमने इसको डायमंड हमारा बैठ जाए। देखो नीचे किया तो डायमंड हमारा ऑटोमेटिक नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर सेट करके रखेंगे कि इस तरह से कि डायमंड इसके ऊपर आराम से फिक्स होके बैठ जाए। इसको हमने इस तरह से मेजर कर देना है, ठीक है? रिंग रेल को मैंने हाइड किया और डायमंड को और इसको मैं यहाँ से ग्रुप कर लूंगी। इसको मैंने इन दोनों को मैंने यहाँ से ग्रुप कर लिया। अभी मैं यहाँ से प्रोंग बनाऊंगी। हमारा ये यहाँ पे 8 mm का डायमंड है तो प्रोंग मैं यहाँ पे 1.1 mm का लूंगी। तो मैंने यहाँ से प्रोंग लिया 1.1 mm का। जितना मेरा डायमंड है ना उसका हाफ मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी। ये डायमंड मेरा यहाँ पे 8 mm का है तो मैंने इसको 4 mm ऊपर ले लिया, ठीक है? अभी यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगी। यहाँ से हम प्रोंग बना लेंगे, हमें जिस भी शेप का प्रोंग बनाना है। यहाँ से मैंने आर्क लिया 3rd नंबर वाला और यहाँ से इस तरह से मैंने लाइट से इसको डूम करूंगी मैं और यहाँ से इस तरह से मैं प्रोंग बना लूंगी। देखो हो गया ये। अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में गई मैं, सर्कल को मैंने डिलीट किया, इसको यहां से मैं पाइप कर लूंगी। कैप मेरी राउंड है, यहां से मैंने इसको किया 1.1 mm और नीचे से भी 1.1 mm। ये हो गया मेरा। अभी इसको हम रोटेट करेंगे। टॉप व्यू में जाऊंगी, मैंने यहाँ से प्रोंग को सिलेक्ट किया, रोटेट वाला कमांड लिया 0 एंटर करके और इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर्स पे रोटेट कर दिया। अभी देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखूंगी ये ठीक है क्या। हमारा थोड़ा सा अंदर बाहर करना होगा तो वो यहाँ से हम सेट कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा अंदर किया इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसको और अंदर किया। देखो ये हो गया मेरा सेट। इसको दूसरी तरफ मिरर किया और दोनों को मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ मिरर कर लिया। ये कंप्लीट है मेरा। मैंने यहाँ से डायमंड को हाइड किया और इन कर्वों को मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। मैं इसके चारों तरफ यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर डायमंड रखूंगी, पावे सेटिंग करूंगी सॉरी। तो डायमंड को मैं एक बार ही इन सब के साथ ग्रुप करके और मैं यहाँ पे इसको
डायमंड को मैंने हाइड कर लेना है और इसके चारों तरफ मैं डायमंड रखूंगी। पावे सेटिंग करूंगी मैं, प्रोफाइल मेरे पास पहले ही है। यहां से मैं इसको नीचे ले आऊंगी फ्रंट व्यू में आके, यहां से मैं यहां तक इसके मिड तक ले आऊंगी। देखो इस तरह से मैंने इसको सेट किया और इसको मैंने यहां से हाइड कर दिया। अब मैं टॉप व्यू में जाऊंगी, इसके ऊपर मैं यहां से कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स नहीं रखूंगी, सरफेस अच्छा नहीं बनेगा, तो इसको मैं यहां से रीबिल्ड कर लूंगी। तो मैंने इसको रीबिल्ड कर लिया 12 पॉइंट से। अभी यहाँ पे मैं पावे सेटिंग करूंगी तो उसकी बाउंड्री छोड़ दूंगी 0.5 की, तो एक यहाँ से मैं ऑफसेट लगा लूंगी 0.5 mm का। ऑफसेट लगाया मैंने 0.5 mm का। डायमंड में यहाँ पे 1.3 mm का रखूंगी, तो मैंने यहाँ पे एक ऑफसेट लगा लिया 1.3 mm का, और लास्ट में भी एक बाउंड्री रहेगी मेरी 0.5 की, तो इससे बाहर की तरफ भी मैं यहाँ से ऑफसेट लगा लूंगी 0.5 mm का। ठीक है, अभी ये दो कर्व मैंने यहाँ से चेंज कर लिए, इनका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। ये दो मेरे पास बाउंड्री वाले कर्व बच गए, इनको फिलहाल मैं यहाँ से हाइड करके रख देती हूँ। इनको मैंने यहाँ से हाइड कर लिया। अभी यहाँ पे मैं पहले इस रिंग रेल को हाइड करती हूँ और यहाँ से मैं प्रोफाइल प्लेसर से सरफेस बनाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाहर वाले कर्व को सिलेक्ट करूंगी और कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया और यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया प्रोफाइल प्लेसर, और यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल सिलेक्ट करूंगी, ऊपर जाऊंगी, इसको ऊपर करूंगी राइट क्लिक करके। और यहां से मैं अपनी प्रोफाइल लूंगी, वो स्क्वायर वाली ही प्रोफाइल लूंगी मैं यहाँ पे, ये वाली, और इसको सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, मैं यहाँ से ये सेकंड रेल लूंगी और अंदर वाली दूसरी रेल को सिलेक्ट करके और एंटर कर दूंगी। ठीक है, तो देखो ये इसने अपने आप ही विड्थ ले ली यहाँ वाली। अब बस इसकी हाइट चेंज कर देंगे हम। अभी इसको मैंने यहाँ से दोबारा से कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया और यहाँ से MSR का ऑप्शन आ गया मेरे पास, वो एंटर हो गया था तो वो चला गया था। अभी यहाँ से इसकी हम चेंज कर देंगे, यहाँ से मैंने इसको 2 mm कर दिया। ठीक है, 1 mm ऊपर की तरफ और 1 mm नीचे की तरफ। ठीक है, अभी इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे क्योंकि हम पॉली सरफेस नीचे की तरफ ही बनाएंगे ना, तो ये दोनों तरफ एक ही जैसा है, तो इसको मैंने यहाँ से पॉइंट दे दिया -1 एंटर, तो ये नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्विफ्ट 2 से सरफेस बना लेंगे। यहाँ से मैंने स्विफ्ट 2 किया फर्स्ट रेल सेकंड रेल, देखो ये मेरा यहाँ से सरफेस बन गया, कितना अच्छा बना है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अभी मेरे जो 0.5 का ऑफसेट लिया था, जो वो वाले कर्व निकालेंगे हम यहाँ से, वो हमने यहाँ पे इस कलर में नहीं डाले थे, वो हमने यहाँ पे हाइड किए थे, तो उनको मैंने यहाँ पे शो किया। वो ग्रीन कलर के हैं, तो इसको मैंने एक बारी के लिए हाइड किया, तो दोनों को मैंने सिलेक्ट करके और इनका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर लिया। इन दोनों को मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। यहां से मैं दोनों कर्वों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं लोफ्ट से सरफेस बना लूंगी। ठीक है, यहाँ से मैंने लोफ्ट से सरफेस बना लिया। इसको मैंने यहाँ से प्लास्टिक किया, देखो भी यहाँ से मैंने इस
यहां से मैं अंदर की तरफ इसको 0.5 ही कट करूंगी। सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से मैंने किया ऑफसेट सरफेस, बोथ साइड मैंने इसको यस किया 0.5 एंटर। ये मेरा बोथ साइड पॉइंट बोथ 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे आ गया। इसको मैंने इसके साथ यहां से बुलियन डिफरेंस कर लिया, ये मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये मेरे पास 0.5 की बाउंड्री बची है। कर्व को मैंने यहां से डिलीट कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं यहां से डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हम डायमंड रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यहां से हम जैम में जाएंगे और यहां से मैंने लिया जैम बिटवीन टू कर्व, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व। एरो के निशान मेरे पहले ही ऊपर है, अगर नीचे होते तो फ्लिप ऑन कर लेते हम, इनको फ्लिप कर लेते। स्पेसिंग मैंने यहां से 0.15 दी और एंटर कर दिया। देखो ये मेरे डायमंड ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट होके आ जाएंगे। देखो अभी यहां से मैं इनको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे F6 प्रेस करके और यहां से मैं प्रोंग्स भी लगा लूंगी। का डायमंड है तो प्रोंग हम यहाँ पे 0.5 का रखेंगे। तो मैंने इसका लार्ज डायमीटर 0.5 किया, स्मॉल डायमीटर 0.5 किया, हाइट मैंने इसकी यहाँ से 0.75 की, यहाँ से भी 0.75 कर दी। ड्रॉप यहाँ से मेरा पहले ही 0.2 है और यहाँ से मैं ये मेरा ये बाहर वाली जो बाउंड्री है इससे टच नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से अंदर की तरफ लूंगी और बस इतना रखूंगी। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ और यहाँ से मैं बाकी तो कुछ छेड़ना नहीं है हमने और राइट क्लिक कर लूंगी। ठीक है, देखो ये मेरा आ गया। कटर सम बाद में कर लेंगे। भी इसका इतना टॉप का पार्ट कंप्लीट है मेरा। अभी फ्रंट व्यू में आऊंगी, यहां से मैं पूरे को सिलेक्ट करूंगी और ग्रुप करके रख लूंगी। ठीक है, अभी मेरी जो मेरी रिंग रेल थी उसको मैंने यहां से शो कर लेना है। ठीक है, इसको मैं यहां से सिलेक्ट करके ऊपर लेके आऊंगी। किया मैंने और यहां से इस तरह से हम कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने यहां से कर्व लाइन पहले ही ड्रॉ कर रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहां से मैंने 1.5 mm की हाइट ली है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है कर्व लाइन कैसे ड्रॉ की है। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ से लाइन ली, यहां से मैंने जैसे हाइट लेनी है 1.5 तो यहाँ से 1.5 की लाइन लगा ली और यहाँ से 1.7 तो यहाँ से मैंने 1.7 की लाइन लगा ली। अभी मैंने यहाँ से आर्क कमांड लिया, थर्ड नंबर वाला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और शिफ्ट प्रेस करके दिस। ये वाली कर्व लाइन है ये मैंने मैन्युअली ड्रॉ करनी है। यहाँ से देखो जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे इस तरह से मैंने ये कर्व लाइन ड्रॉ की और यहाँ से मैंने इसको पॉइंट्स ऑन करके इनको रीबिल्ड करके प्रॉपर शेप देनी है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आप ये कर्व लाइन आपकी भी ड्रॉ हो जाएगी और उसके बाद अंदर की तरफ ऑफसेट लगा देना 1.7 mm का, तो ये अंदर वाली कर्व लाइन भी हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने यहां से हाइड किया,
सिंगल लाइन ली, इनको मैंने यहां से क्लोज कर दिया। अभी मैं यहां से इनका भी कलर यहां से मैंने ये ब्लू ही कर दिया। यहाँ पे स्विप टू से सरफेस बना लूंगी, तो मैंने यहाँ पे कमांड में टाइप किया स्विप टू फर्स्ट रेल सेकंड रेल फर्स्ट क्रॉस सेक्शन सेकंड क्रॉस सेक्शन एंटर एड स्लाइसेस करें, सरफेस को थोड़ा सीधा कर लिया। यहाँ पे बीच में भी एक ऐड कर लूंगी मैं और एंटर कर दूंगी। देखो ये बन गया, इसका कलर भी मैं यहाँ से ग्रीन ही कर दूंगी। देखो अभी देखो अभी हमने यहाँ पे भी मैं बाउंड्री पे जो है पावी सेटिंग करूंगी, तो 0.5 की बाउंड्री छोड़ेंगे, 1 mm और 1.3 का डायमंड रखेंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास 2.3 mm और हमने बोथ साइड करना है, तो हम यहाँ पे 2.3 का हाफ लेंगे, तो मैंने इसका हाफ लिया, ये आ गया मेरे पास 1.15। तो अभी मैं इसको यहाँ से करूंगी ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस 1.15 एंटर एंटर। ठीक है देखो ये आ गया मेरा, इसको मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में जाके नीचे लेके आऊंगी। देखो इसमें ये मर्ज होना चाहिए, इस तरह से रख लूंगी। भी यहां से यहाँ पे भी हम पावे सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं 0.5 की बाउंड्री रखूंगी, तो यहाँ से मैंने किया ऑफसेट कर ऑन सरफेस, इसको मैंने यहाँ से फ्लिप किया अंदर की ओर 0.5 एंटर, दूसरी तरफ ही हम एज इट इज करेंगे। अभी इन दोनों कर्व को सिलेक्ट करके मैं यहां से लोफ्ट से सरफेस बना लूंगी। सरफेस का कलर मैं यहां से चेंज कर रही हूं, इसको भी मैं 0.5 अंदर से कट करूंगी, तो यहां से मैंने इसको किया ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस 0.5 एंटर एंटर। अभी इसको इसके साथ बुलियन डिफरेंस कर लूंगी मैं, कट हो गया हमारा। कर्व लाइन में यहाँ पे डिलीट कर रही हूं, ओरिजिनल रिंग में नहीं करते हम कर्व लाइन ड्रॉ, मैं तो खाली ये रिंग मैन्युअली बना रही हूँ, किसी कस्टमर की नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर्व लाइन डिलीट कर रही हूँ। ठीक है देखो यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में आऊंगी, यहाँ पे मैं एक डायमंड रखूंगी विद बीजल, तो मैं यहाँ से 2 mm का डायमंड है मेरे पास बीजल वाला, वो निकाल लिया मैंने। यहाँ से मैं इसका राइट व्यू में जाके इसको मैंने चेंज कर ली इसके डायरेक्शन इस तरह से। अभी जो मेरी रिंग रेल थी उसको मैंने यहाँ पे शो किया और इसको यहाँ पे मैं सेंटर में सेट करूंगी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर। देखो राइट व्यू में जाऊंगी, देखो ये जो मेरा मिड लाइन है उससे थोड़ा अंदर की तरफ है पहले ही, तो मैं इसको सीधा दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। देखो ये हो गया मेरा, यहाँ पे भी आप कर्व लाइन कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ जाले वाले बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर्व लाइन पहले ही ड्रॉ कर रखी है, मैं निकाल लेती हूँ इसको, मैं एक बारी यहाँ से हाइड करके आपको दिखा देती हूँ। देखो मैंने ये पहले ही ड्रॉ कर रखी है। अभी यहाँ पे मैंने ये मेरी यहाँ पे जॉइन है, ये भी मेरी जॉइन है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं सरफेस बनाऊंगी इसका, इससे बना लेती हूँ मैं प्लेनर कर्व से
और इसका भी मैं ऐसे ही बना लूंगी, ठीक है। अभी यहां से मैं इसको लूंगी, इसको मैंने यहां से किया ऑफसेट सरफेस बोथ साइड, यस 0.5 ले लेती हूँ मैं, बोथ साइड होगा तो ये मेरा टोटल यहाँ पे 1 mm हो जाएगा, तो मैं यहां से इसको 0.5 रख लेती हूँ, ठीक है। और इस अंदर वाले को मैं थोड़ा सा इससे कम कर लूंगी, जो अंदर वाला है इसको मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट सरफेस 0.45, एंटर। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे तो इसके अंदर है, इसलिए मैंने इसको यहां से थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहां से दूसरी तरफ मिरर कर लिया, ठीक है। अभी देखो इसको मैं यहां से फ्लिटेज कर लूंगी 0.1, सारे कर्वों को मैं यहां से फ्लिटेज कर रही हूं 0.1 से, सेम दूसरी तरफ भी करूंगी। इसकी मेरे को यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है, अगर इसकी विड्थ बढ़ानी है तो इसकी विड्थ भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहां से मैं राइट व्यू में जाऊंगी, राइट व्यू में, और यहाँ से इनकी थोड़ी सी विड्थ मैं बढ़ा लूंगी इस तरह से। अभी यहाँ पे डायमंड रखूंगी और यहाँ पे भी डायमंड रखूंगी मैं। यहाँ पे मैं 0.15 की बाउंड्री रखूंगी मैं, यहाँ पे मैं प्लेट्स के ऊपर ही डायमंड रखूंगी, और यहाँ पे भी मैं 1 mm के डायमंड रख लूंगी। डायमंड रख के मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहां से यहाँ पे मैंने प्लेट के ऊपर डायमंड रखे है, और यहाँ अंदर और यहाँ से 0.15 की बाउंड्री छोड़ दी है, और सारे कर्वों को मैंने फ्लिट किया है, ऊपर से भी नीचे से भी सारी जगह से मैंने इनको फ्लिट किया है, और यहाँ पे 1 mm का डायमंड है। यहाँ पे मैंने 0.5 की बाउंड्री छोड़ दी थी, तो 0.2 से हमने इसको यहाँ पे फ्लिट कर लिया। वीडियो कंप्लीट है मेरी, मैंने सारे कर्व यहां से हाइड कर लिए, देखो रिंकल लुक देखो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।